हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है गाइस, इसमें हमें पढ़ना है कि वर्ब्स कब कंप्लीट होती है और कब इनकम्प्लीट होती है, कब हमें अदर वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है इसका मीनिंग पूरा करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी की देरी के हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन एन इनट्रांजिटिव वर्ब, when an intransitive verb gives complete sense, it is called verb of complete predication as। जब कोई verb अपना complete अर्थ दे देती है, ठीक है, बिल्कुल अपना complete अर्थ देती है बिना किसी object के, तो वहाँ पर हम इस verb को क्या कह सकते हैं, verb of incomplete predication कह सकते हैं। In example, let's see, the girl laughs। Okay guys, the girl laughs। After laughs, you cannot see here any word। ठीक है, कोई भी वर्ड आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है लाप्स के बाद, ना कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी ये लाप्स जो है ये अपना कंप्लीट हमको अर्थ दे रहा है। जैसे कि द गर्ल लाप्स, लड़की जो है वो लाफ करती है। ठीक है, ऐसे ही द बेबी स्वीप्स। ओके, तो आफ्टर स्वीप्स वी कैन नॉट सी हियर एनी वर्ड, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट स्वीप्स कैन कंप्लीट इट्स मीनिंग। ओके, नेक्स्ट रूल, the verbs cannot give their meaning without noun, adjective or some part of another verb are called verb of incomplete predication। इसमें क्या बोला जा रहा है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि कोई verb अगर अपना meaning नहीं पूरा कर रही है बिना किसी noun के, मतलब इसके बाद कोई noun आना चाहिए या कोई adjective आना चाहिए, कोई some part of another verb, ठीक है, कोई और verb आनी चाहिए, आर कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो ऐसी वर्ब को हम क्या कहेंगे, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। एज ही बिगेम, व्हाट ही बिगेम, ठीक है, व्हाट ही बिगेम। ओके, तो यहाँ पर देखिए, आप अगर इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो यू कैन सी हियर, यू कैन नॉट फाइंड अ कम्प्लीट सेंस हियर। ओके, आप यहाँ पर पूरा नहीं इसका गेन कर पा रहे हैं। ऐसे ही द बॉय सीम्स, लड़का लगता है, कैसा लगता है लड़का, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा आपके माइंड में एकदम से। तो ऐसे ही इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, ठीक है। लेकिन अगर हम इन सेंटेंसेस में देखें कि ही बिकेम अ डॉक्टर, ठीक है, इफ ही बिकेम अ डॉक्टर, तो बिकेम डॉक्टर बन गया है, सीधा सा मीनिंग है, ठीक है, तो बिकेम डॉक्टर यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। इसलिए बिकेम को क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। यहाँ पर ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, या कोई अदर वर्ब भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, द बॉय सीम्स टायर्ड। ओके, यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे इसका मतलब। नेक्स्ट रूल है हमारा, इफ द मीनिंग इज नॉट क्लियर आफ्टर एडिंग एन ऑब्जेक्ट, देन वी हैव टू एड कॉम्प्लीमेंट आफ्टर ऑब्जेक्ट, वी कॉल इट फैक्टिटिव। ओके, सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो ये क्या कहना चाह रहा है ये रूल, इफ द मीनिंग इज नॉट क्लियर आफ्टर एडिंग एन ऑब्जेक्ट। देखिए, यदि किसी ऑब्जेक्ट को एड करने के बाद भी हमें कोई मीनिंग नहीं मिल पा रहा है कम्प्लीट, तो वी हैव टू एड कॉम्प्लीमेंट आफ्टर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पर एड करना पड़ेगा, तो वी कॉल इट, हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कहेंगे फैक्टिटिव। ओके, यदि ऑब्जेक्ट भी है और फिर भी सेंटेंस हमारा अधूरा रह गया है, तो वी हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस टू एड एन ऑब्जेक्ट हियर। ओके, चलिए, जैसे कि द लॉस फिल्ड अस विद ग्रीफ, द लॉस फिल्ड अस। ओके, लॉस ने हमें फिल्ड कर दिया है भाई, किससे फिल्ड कर दिया है, ठीक है, किससे फिल्ड कर दिया, हमें ग्रीफ से फिल्ड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही सेट द क्रिमिनल्स फ्री, ही सेट द क्रिमिनल्स, अगर हम इतना ही पढ़ें कि ही सेट द क्रिमिनल्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट तक बात आ गई है, सेंटेंस हमारा यहाँ पूरा हो जाना चाहिए लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। देखिए, ही सेट द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर फ्री लगाना पड़ा, ठीक है, ही सेट द क्रिमिनल्स फ्री। ओके, नाउ वी कैन रीड इट विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। ओके, नेक्स्ट, we use complement of factitive as noun, adjective, participle, preposition with object, infinitive and adverb as। ठीक है भाई, ये कहना चाहता है कि we use complement of factitive as noun,
यदि हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ फैक्टेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट रूल में आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट भी अगर हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता है तो हमें एक फैक्टेटिव की नीड पड़ती है, तो वो हम किस किस रूप में हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे एक सेंटेंस के अंदर। देखिए, वो एक नाउन भी हो सकता है, ठीक है, वो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, तो इन एंड एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है। इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके गाइज, लेट्स सी हियर एन एग्जांपल। वी मेड हिम कैप्टन, वी मेड हिम कैप्टन। ओके, व्हाट इज कैप्टन? कैप्टन इज अ नाउन हियर। ओके, तो वी मेड हिम, देखिए यहाँ पर क्या है गाइज, यहाँ पर वी मेड हिम कैप्टन, कैप्टन पे बात पूरी हो जानी चाहिए हमारा सेंटेंस, लेकिन मेड हिम ऑब्जेक्ट भी आ गया है, लेकिन फिर भी हमें एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ी है, वो है कैप्टन, और कैप्टन क्या है, कैप्टन नाउन हो जाता है। ठीक है, आई फाउंड हर स्टिल स्लीपिंग, ठीक है, आई फाउंड हर, भाई यहाँ पे आई फाउंड हर तक अगर मैं छोड़ दूँ सेंटेंस को तो ये पूरा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ फैक्टेटिव की ज़रूरत पड़ी है जो कि स्लीपिंग है। ठीक है, और ये क्या है, ओके, ऐसे ही यू, योर स्टोरी फिल्ड विद मी विद एरर, ये प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए विद आया हुआ है तो विद प्रीपोजिशन हो जाता है और एरर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल, वी यूज मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है भाई? फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी को हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो आफ्टर टू बी एज, He is trying to solve this problem. Okay? We use main verb for after to be. To be verbs क्या होती हैं? देखिए to be verbs here मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई हैं। To be, we can say to be verbs is, am, are, was, were. ये पाँचों क्या होती हैं? ये हमारी to be verbs कहलाती हैं और इनके साथ हमेशा ing form आएगी। ठीक है, मतलब आती है fourth form आती है इनके साथ। रूल सिक्स, इन पैसिव वॉयस, और पैसिव वॉयस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ही इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। पैसिव वॉयस की बात हो रही है तो पैसिव वॉयस में तो भाई सबके साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, कोई भी हमारी मेन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, सबके साथ थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। नेक्स्ट, आफ्टर मोडल ऑक्सिलरी यूज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस। आफ्टर मोडल ऑक्सिलरीज कौन होती हैं भाई? मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, नीड टू, ऑट टू। ठीक है, ये सब क्या होती हैं? ये सब हमारी मोडल्स होती हैं। तो यू कैन एंड विल हेल्प मी, यू कैन एंड विल दोनों ही मोडल्स हैं यहाँ पर, तो इनके साथ कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, याद रखना हमेशा। कोई भी हमारी मोडल्स होगा, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, सुड, ठीक है, ओट टू, इन सब के साथ, नीड टू, इन सब के साथ क्या आता है? हेल्प आता है, हेल्प, सॉरी हेल्प नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा डू, डज, डिड। ठीक है, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डू, डज, डिड के साथ, जैसे कि ही डज नॉट राइट टू हर। ओके, राइट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हैज़, हैव, हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। भाई हैज़, हैव, हैड अगर कहीं पर भी आपको दिख जाता है सेंटेंस में तो यू कैन पुट हियर। ठीक है, यू कैन पुट हियर मेन वर्ब थर्ड। ओके, आई हैव डन माई वर्क। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, इनके साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए मैं अच्छे से सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, मेरी वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में। प्लीज़ आई नीड योर हेल्प ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आती रहूँ। ठीक है गाइज, और मुझे बताते रहिए कि कैसी लगती है आपको मेरी क्लास और मुझे क्या क्या आपको पढ़ाना है। आप अपनी क्वेरी कोई भी मुझसे कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।